वेलकम गाइड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मांग की कीमत, लोच की श्रेणियाँ। उस वीडियो में मैंने आपको दो श्रेणियाँ करवाई थी, सापेक्षतया लोचदार और पूर्णतया लोचदार। समय अभाव के कारण रिमेनिंग तीन मांग लोच की श्रेणियाँ नहीं करा पाया था। ये चीज कर्मबद्ध से आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ होती है, पांच प्रकार की होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सापेक्षतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार और बेलोचदार, और शून्य लोच बेलोचदार मांग और शून्य लोच मांग। ठीक है, अब देखो तीसरी श्रेणी लेते हम इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर लोच, इसका मीनिंग क्या हुआ? वस्तु की कीमत और मांग दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, उसी अनुपात या उसी प्रतिशत में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। मान लो किसी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हुई है तो उसकी मांग में भी 10% कमी होगी। अगर वस्तु की कीमत में 10% कमी हुई है तो उसकी मांग में भी क्या होगी? 10% कमी। यानी दोनों के बराबर, जिस रेशियो के अंदर कीमत बढ़ रही है उसी रेशियो में मांग भी बढ़ेगी। यानी कि दोनों का इक्वलिटी समान होता है। क्या होता है? समान होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कीमत जिस प्रकार बिहेवियर कर रही है उसी प्रकार मांग में क्या करेगी? बिहेवियर करेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कीमत के साथ प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन मांग में हो रहा है, जितनी बड़ी उतनी घटी। यानी कीमत जिस प्रकार बिहेवियर कर रही है उसी प्रकार क्या करेगी? मांग बिहेवियर की मांग में व्यवहार होगा। यानी कि डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसी अनुपात या प्रतिशत परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांग में होता है। अब देखो इस टेबल के, एक टेबल के सहायता से समझते हैं इसे। वन मान लो कि क्वांटिटी, सॉरी प्राइस और क्वांटिटी लेते हैं। पहले प्राइस 20 रुपए थी और क्वांटिटी कितनी थी? 20। अब इसके अंदर क्या हुआ? 10 रुपए की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 10 रुपए की वृद्धि हुई है, तो मांग भी क्या होगी? उसकी इक्वल होगी, ना तो ज्यादा कम होगी, या क्योंकि इसमें भी 10 की क्या होगी? कमी होगी। अगर 10% इसमें बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है? जितना परिवर्तन होता है प्राइस में उसी अनुपात में इसकी क्या होती है? वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। यानी 20 रुपए है पहले प्राइस, तो 20 रुपए क्वांटिटी हो गई। अब उसे 10% बढ़ाते हैं तो 25 रुपए 10% हो गई, 10% 20 का 30 रुपए हो गई, इसकी प्राइस हो गई। यानी कि 10 यूनिट बढ़ी ना, 10 यूनिट के अंदर 10 यूनिट या कम हो जाएगी, ये इंक्रीजमेंट हो गया। अगर 20 की जगह 10 रुपए हो गई है तो यहाँ मांग कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। यानी जिस रेशियो के अंदर कीमत बढ़ रही है उसी रेशियो में कीमत मांग घटेगी, जिस रेशियो में कीमत घटी है उसी रेशियो में मांग बढ़ेगी। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? कीमत जिस प्रकार से व्यवहार करती है उसी प्रकार वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बिंदु लेते हैं अपन, बेलोच मांग। कौन सा? बेलोच मांग। इकाई से कम मांग लोच, इकाई से कम मांग लोच। यानी कहने का इसके इकाई से कम, इसमें क्या पढ़ा था? इकाई के बराबर, क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। और इसमें क्या है?
21 से कम, यानी कीमत जिस रेशियो में बढ़ रही है घट रही है, कि कीमत है ना किसी वस्तु की जिस रेशियो में घट रही है बढ़ रही है उससे उसकी मांग थोड़ी सी अधिक मात्रा में बढ़ेगी या घटेगी। यानी क्या 21 से अधिक उस मात्रा थोड़ा अधिक, यानी क्या इसमें क्या 10% वृद्धि हुई है तो 10% कीमत घटी है, तो इसमें क्या होगा अगर 10% कीमत में वृद्धि हुई है ना 21 से अधिक, यानी 11% मांग में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 11% मांग में कमी हो जाएगी 21 से अधिक। 21 से अधिक हमने देखो सापेक्षता पूर्णतया 21 के बराबर, 21 के बराबर, यहां 21 से कम, ये हो गया 21 से अधिक, ये क्या है पूर्णतया लोचदार क्या है 21 से अधिक, यानी कि जिस अनुपात में बढ़ रही उससे अधिक मांग हो गई, जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है घट रही उसके बराबर मांग हो गई। इसमें क्या होगा जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है घट रही है उससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम मात्रा में क्या होगी उसकी मांग घटेगी या बढ़ेगी। देखो डायग्राम देखते हैं इसका अपन। देखो जब पी, जब वस्तु की कीमत कितनी थी प्राइस पी, तो क्वांटिटी क्या थी क्यू थी, अब प्राइस बढ़ के पी हो जाती है तो क्वांटिटी घट के उसकी मांग कितनी होती है क्यू। अगर हम दूसरे व्यू से देखें जब प्राइस पी थी, जब प्राइस क्या थी पी वन थी, क्या थी पी वन थी, तब उसकी मात्रा कितनी थी क्यू, अब प्राइस घट के पी हो जाती है तब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई क्यू वन हो जाती है, यानी 21 से अधिक, क्या 21 से अधिक। जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत या प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में उसी अनुपात या प्रतिशत परिवर्तन न होकर थोड़ा अधिक मात्रा में होता है, यानी डेफिनेशन सीधी सी बता रही है वस्तु में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है लेकिन उससे थोड़ा अधिक मात्रा में हो रहा है। अब अपनी अंतिम मांग लोच रणी कौन शून्य मांग लोच, शून्य मांग लोच, कीमत में कैसा भी परिवर्तन हो वस्तु की मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ो या घटो, वस्तु की कीमत बढ़ो या घटो उसके कारण वस्तु की मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी बताइए ए और क्यू लाइन, अब देखो पहले पी थी तो यहां अपन नाम आर और एस नामांकन करते हैं, तब कितनी थी आर और क्यू डिमांड थी, अब की प्राइस पी हो गई है पी वन हो गई है तो एस और क्यू हो गई, एस और क्यू यानी अनिवार्य वस्तु की मांग शून्य मांग लोच होती है, शून्य मांग लोच होती है, यानी अनिवार्य वस्तु रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य पांच प्रकार के अनिवार्य वस्तु माना है आधुनिक समय में। अगर खाद्यान्न की फसल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसमें किसी प्रकार का उसकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता,
व्यक्ति को जीवन जीने के लिए खाद्यान्न की जरूरत होती है। अगर खाद्यान्न 1200 रुपये क्विंटल है, अगर 1200 रुपये क्विंटल है तब कितने मांग रहा है, 2 क्विंटल मांग रहा है। खाद्यान्न कितना मांग रहा है, 2 क्विंटल मांग रहा है। अब 1200 की जगह 1400 रुपये हो जाए, 1400 रुपये पर क्विंटल हो जाए तो भी 2 क्विंटल ही मांगेगा ये। अगर 1200 जो 1000 रुपये क्विंटल हो जाए तो भी 2 क्विंटल ही मांगा है। यानी कहने का अर्थ क्या है, व्यक्ति की जितनी आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के अनुरूप क्या करेगा, वस्तु की मांग करता है। उसकी कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। कीमत बढ़ने से व्यक्ति खाना खाना नहीं छोड़ता है, कीमत बढ़ने से व्यक्ति कपड़े पहनना नहीं छोड़ता है, कीमत बढ़ने से शिक्षा प्राप्त करना नहीं छोड़ता है, कीमत बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है उसका इलाज कराने से नहीं रह पाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, इन में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में उसकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसका वक्र प्रश्न पूछा जा सकता है, अनिवार्य वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, अनिवार्य मांग वक्र का वक्र होता ओ वाई अक्ष के समांतर, ओ वाई अक्ष के समांतर इसका मांग वक्र ओ वाई अक्ष के समांतर होता है, ओ वाई अक्ष के समांतर होता है। यानी पांच ने आपको बता दी मैंने, सापेक्षतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोचर और शून्य लोच। यानी अब देख लो, अनिवार्य वस्तुओं का मांग वक्र क्या होगा, शून्य मांग लोच। आरामदायक वस्तुओं क्या होगा, इकाई के बराबर, और विलासिता क्या होगा, पूर्णतया लोचदार। विलासिता वस्तु, व्यक्ति की आय अचानक बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी अधिक। यानी कहने का मतलब क्या, वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की तुलना में क्या होता है, अधिक मात्रा में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। और इकाई के बराबर क्या होगा, जिस मात्रा में वस्तु की कीमत बढ़ रही है घट रही है उसी अनुपात में वस्तु की मांग बढ़ेगी और घटेगी। बैलोच मांग में क्या होगा, इकाई से कम मांग लोच, इकाई से कम मांग लो। जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन होता है उस तुलना में न होकर थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है। और शून्य बैलोच में क्या होगा, वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो उसमें उसकी वस्तु की मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब अपने को पढ़ना है कीमत लोच श्रेणी की मापन की विधियां। कीमत माप की मापने की विधियां, मांग की कीमत लोच मांग कीमत मापने की विधियां कितनी है, 3 प्रकार की है। कौन सी है, 3 प्रकार की। पहली विधि अपन लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिशत अनुपातिक लोच विधि। दूसरा नाम इसका क्या, फ्लक्स। ठीक है, दूसरी है व्यय विधि की है, कौन सी है, व्यय विधि। और तीसरी है ज्यामिति या बिंदु लोच विधि, बिंदु लोच विधि। 3 प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है। आप देखो वस्तु की मांग लोच, इसके अंदर क्या होगा,
मैंने आपको शुरुआत में मांग की कीमत लोच पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको प्रति से अनुपातिक परिवर्तन बताया था वस्तु की कीमत में प्रति अनुपातिक परिवर्तन को कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत लोच कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग टाइम पीरियड की वस्तु की कीमत उसकी मांग में तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करने से जो हमें प्राप्त होता है उस मेथड से क्या प्रति अनुपातिक विधि का ज्ञात करते हैं। जैसे आप देखो इसका देखो प्रतिशत फ्लक्स विधि के अंदर क्या करेंगे अपन, Q1 - Q0 / Q0 / P1 - P0 / P0। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर बताया था मैं आपको वस्तु की कीमत लोच कैसे ज्ञात करते हैं। और दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, Q/Q / P/P। ये भी अपन लिख सकते हैं। यानी Q1 - Q0 यानी कि ये प्रारंभिक कीमत है। कौन सी है? वस्तु की अंतिम कीमत। ये हो गई। अब देखो Q1 क्या अपना यहां, Q0 क्या है, P1 क्या और P0 क्या है। अब देखो ये तो होती है अंतिम कीमत, अंतिम कीमत, प्रारंभिक कीमत, ठीक है, ये होगी अपनी अंतिम मांग और प्रारंभिक मांग। इतना डिफरेंस है देख लो, यानी अंतिम और प्रारंभिक दोनों की मांग और कीमत में क्या करते हैं? तुलना। क्या करते हैं? तुलना। तुलना करने से जो प्राप्त होता है ना उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत अनुपातिक अनुपातिक लोच विधि या फ्लक्स विधि से वे विधि। इसके अंदर क्या है, इसे हम मार्शल की कुल वे विधि भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? मार्शल की कुल वे विधि। कुल व्यय विधि इसमें क्या है कि व्यक्ति के उपभोग को आधार बनाया गया है। एक निश्चित समय अवधि में कितना उपभोग करता है उस उपभोग के लिए जितना व्यय किया जाता है उसे आधार बनाया गया है। उस आधार के आधार पर हम क्या निकालते हैं? लोच निकालते हैं, मांग की लोच निकालते हैं। ज्यामिति बिंदु लोच विधि, यानी ज्यामिति नाम से और पता चलता ज्यामिति यानी रेखा गणितीय। क्या है? रेखा गणितीय OX OY। अब इसमें देखो YX है, A बिंदु है, B बिंदु है और तीन डॉट रहते हैं यहां पे बंद, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अपनी क्या रहेगी? क्वांटिटी ही अपनी रहेगी, प्राइस। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, या आप अपने हिसाब से पी क्यू आर बिंदु दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी? शून्य मांग। क्या होगी? शून्य मांग। यानी क्या है? आपको ज्यामिति बिंदु लोच विधि यानी किसी भी बिंदु, इस मेथड के अंदर आपको किसी एक बिंदु की मांग की लोच श्रेणी निकालनी है, किसी एक श्रेणी की मांग लोच निकालनी है। अब देखो अगर आपको कह दे पी बिंदु की मांग लोच निकालो, किसकी? पी बिंदु की मांग लोच निकालनी है। किस बिंदु की? पी बिंदु की। पी बिंदु की मांग लोच निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? निचला भाग बट्टा ऊपरी भाग। क्या? निचला भाग बट्टा ऊपरी भाग। और P बिंदु के निकालनी है तो देखो P और A और P और O किसके लिए? P बिंदु के लिए हो गए। अगर ऐसा Q बिंदु की लोच निकले बोले कि Q बिंदु की लोच विधि निकालनी है, हमें प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि Q बिंदु की लोच निकालिए तो अपना क्या होगा? Q और A बटा Q और B। अगर अल्फाबेटिक हिसाब से लिखें तो अपने लिखना सही व्यवस्था A Q / B Q।
अल्फाबेटिक के अंदर क्या आता है, सबसे पहले ए आता है और बी आता है, तो ए क्यू और बी क्यू लिखेंगे अपन, ए क्यू और बी क्यू लिखेंगे। इस प्रकार हम मान के लोच लोच को क्या करते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितना क्या हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तीन विधियों के द्वारा मांग की कीमत लोच को मापते हैं, प्रतिशत अनुपातिक या फ्लक्स विधि, व्यय विधि और ज्यामिति लोच विधि। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्रतिशत अनुपातिक के अंदर प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम वस्तु की मांग और इस कीमत के अंदर तुलना करते हैं। तुलना करने जो प्राप्त होता है हमें, जो संख्या प्राप्त होती है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, वो परिणाम क्या कहलाता है, प्रतिशत या अनुपातिक विधि से मांग की कीमत लोच। व्यय विधि यानी कि व्यक्ति के उपभोग के लिए किए जाने वाले खर्च को आधार बनाया जाता है, उस आधार के द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम अपना क्या कहलाएगा, व्यय विधि द्वारा कीमत लोच या मार्शल की कुल व्यय विधि से कीमत लोच। तीसरा बिंदु है अपना ज्यामिति बिंदु लोच, यानी इस रेखाखंड के माध्यम से, इस रेखा चित्र के माध्यम से जो हम कीमत लोच ज्ञात करेंगे वह अपनी क्या कहलाएगी, ज्यामिति बिंदु लोच विधि। इस विधि के अंदर क्या होगा, किसी भी बिंदु की लोच ज्ञात करनी है तो अपना लोच का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का क्या रहेगा फॉर्मूला, निचले वाला भाग बट्टा ऊपरी भाग। अगर पी बिंदु का बोला है तो पी ए बट्टा ओ ए, पीओ। क्यू बिंदु का बोला है तो ए क्यू बट्टा क्यूओ। इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, मांग की कीमत लोच निकालेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले हम वीडियो के अंदर एक अच्छा सा टॉपिक लेकर वापस आपके सामने उपस्थित होंगे।